बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम साइंस का यूनिट नंबर 1 हाउ वी मूव पढ़ेंगे, जो कि हमारे फर्स्ट असाइनमेंट से रिलेटेड है। हमारा आज का यूनिट है हाउ वी मूव, मतलब हम कैसे हरकत कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज हम इंसानी ढांचे के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे किस काम आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जिस्म एक पेचीदा मशीन की मानंद होता है और हम गोश्त और हड्डियों से मिलकर बनाए गए हैं। लेकिन अगर हमारा ढांचा नहीं होगा तो हम गोया एक ढीले ढाले गोले जैसे नज़र आएंगे, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। ढांचा अल्लाह ताला की एक खूबसूरत तख्लीक है, जिसकी बदौलत हम चल फिर सकते हैं, दौड़ भाग सकते हैं और जैसा चाहे हरकत दे सकते हैं। ढांचा हमारे जिस्म को शेप देने में मददगार होता है। इसके अलावा एक नौजवान इंसान के बॉडी में पूरे जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं, जो कि मुख्तलिफ शक्ल और मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं। जैसे कि हमारे हाथ की हड्डी का साइज़ अलग होता है, हमारे पैर की हड्डी का साइज़ अलग होता है, और इनकी शक्लें भी अलग अलग हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे ढांचे के 3 अहम हिस्से होते हैं। पहला होता है स्कल, मतलब हमारी खोपड़ी। दूसरा है बैकबोन, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी। और तीसरा है रिब्स, मतलब हमारी पसलियाँ। तो पहला हमारा जो मेन पार्ट है हमारे स्केलेटन का, वो है स्कल, मतलब हमारी खोपड़ी। हमारी खोपड़ी बहुत अहम होती है। इसके ऊपरी हिस्से में 8 चपटी हड्डियाँ, जबकि 14 हड्डियों से मिलकर हमारा चेहरा बनाया गया है, और खोपड़ी दिमाग का अहाता बनाते हुए इसकी हिफाजत करती है। इसके बाद हमारे ढांचे के दूसरा अहम हिस्सा जो है हमारी बैकबोन, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी खोपड़ी से जुड़ी होती है। इसे पिंडली भी कहा जाता है। उसके अलावा ये 33 छोटी हड्डियों से मिलकर बनाई गई होती है। ये रीढ़ की हड्डी का जोड़ इसे अहम मरकजी सतून तश्कील देता है और नाजुक स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करता है। इस जोड़ की वजह से हम अपनी कमर को मोड़ सकते हैं और बल दे सकते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा अहम हिस्सा है हमारे ढांचे का, वो है रिब्स, मतलब हमारी पसलियाँ। हमारी पसलियों के 12 पेयर्स, हमारी रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं, मतलब हमारी पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, जो कि एक और ये गमखार और ये खमदार हड्डियाँ एक और नुमा होती हैं, जो हमारे दिल और सीने की हड्डी की हिफाजत करती हैं। और इसके आखिरी के जो 2 जोड़े होते हैं वो सिर्फ बैकबोन से जुड़े होते हैं, मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नी जॉइंट्स, मतलब हमारे घुटनों का जोड़। हमारे जिस्म की आधे से ज़्यादा हड्डियाँ हमारे हाथों, कलाइयों, पाँव और टखनों पर मुश्तमिल हैं। इनमें से सबसे बड़ी और ताकतवर हड्डी रान की हड्डी कहलाती है, मतलब हमारी थाई बोन। ठीक है, जिसे हम फीमर भी कहते हैं। ये जो फीमर है ये कमर के गिर खोखली हड्डी के साथ जुड़ी होती है और ये घुटने के जोड़ के साथ, निचली टांग के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं? सबसे पहले हम बताएंगे कि जॉइंट क्या होते हैं। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियों को आपस में मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो जॉइंट्स कहलाती हैं। ठीक है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो होते हैं जो कि हमारे एल्बो में और नी में पाए जाते हैं, मतलब हमारे बाजू में और घुटने में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि टाइटली आपस में बहुत टाइटली जुड़े होते हैं। जॉइंट्स की भी 2 किस्म होती हैं, एक होते हैं मूवेबल इमूवेबल जॉइंट्स और एक होते हैं मूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारी खोपड़ी में होते हैं जो इंटरलॉक होती हैं, जो हरकत नहीं कर सकती। हमारी खोपड़ी में जितने भी जोड़ हैं वो हरकत नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। जबकि जो मूवेबल जॉइंट्स हैं हमारे बाजू, कंधे, हमारे हाथ और टांगों में मौजूद होती हैं, जो कि हरकत करने में मदद देती हैं। जैसे कि हम अपने हाथ को मोड़ सकते हैं, अपने पैरों को मोड़ सकते हैं, अपनी फिंगर्स को मोड़ सकते हैं, तो ये मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो हमारे हाथों और पैरों में होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मसल्स, जो कि हमारे फट्टे हैं। हमारे जिस्म में तकरीबन 650 मुख्तलिफ किस्म के फट्टे मौजूद होते हैं। हमारे जिस्म का तकरीबन आधा वजन उठाने वाला हिस्सा इन फट्टों पर मुश्तमिल होता है। ये हड्डियों और मजबूत रेशों के साथ जुड़ी होती हैं, जिसे ठोस रेशों का गुच्छा कहा जाता है। मसल्स मतलब हमारे फट्टे हमें किसी चीज़ को मोड़ने, खाने, हवा में सांस लेने और दिल धड़कने में मदद देते हैं। हमारे जिस्म में फट्टे के 3 इकसाम होते हैं। पहला है वॉलंट्री मसल्स, मतलब अख्तियारी फट्टे। उसके बाद इनवॉलंट्री मसल्स, जो गैर अख्तियारी फट्टे होते हैं। उसके अलावा कार्डियक मसल्स, ठीक है, जो कि ताकत बख्श होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉलंट्री मसल्स वो होते हैं जो अपनी मर्जी से हरकत कर सकते हैं, चाहे कोई वज़न उठाना हो या
कोई दूसरा काम करना हो। जैसे अगर मैं खुद चाहूँ कि मैं ये काम करूँ, ये वजन उठाऊँ, तो मैं उठा सकती हूँ, ठीक है। और इनवॉलंटरी मसल्स वो होते हैं, ये फट्टे सिर्फ बेअख्तियारी काम कर सकते हैं, जिस पर इसका कोई काबू नहीं होता और जिस पर हमारा कोई काबू नहीं होता। जैसा कि ये मसल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं और हमें और हमारे खाने को हजम करने में मदद देते हैं। मतलब ये जो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, ये हमारे काबू में नहीं होते, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो तीसरा टाइप से मसल्स की, वो है कार्डियक मसल्स। ये पट्टा हमारे दिल धड़कने में मददगार होता है और खून को पूरे जिस्म में रवा करने में मदद देते हैं, और ये पूरी ज़िंदगी बिना रुके काम करते हैं, बिना रुके ज़िंदगी काम करते रहते हैं। ये हमारे दिल धड़कने में मदद देते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद इसलिए हमें अपने रब की खूबसूरत तख्लीक की तारीफ़ करते रहना चाहिए। इसने हमें इतने शानदार अंदाज में बनाया, हमें तश्कील किया, और इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंशन। ये हमारा जो काम है, ये हमारे बुक वर्किंग है, जो कि हमारे नोट्स में होगा, मौजूद होगा। मेंशन द नंबर अगेंस्ट ईच काइंड ऑफ बोन्स, मतलब हमें जो ये बोन्स दी हैं, इसके हमें नंबर यहाँ पे मेंशन करने हैं। हमारी बॉडी बोन्स कितनी है वो हमें यहाँ लिखना है, स्कल बोन्स कितनी होती हैं यहाँ लिखना है। जैसे कि हमारी बॉडी बोन्स 206 होती हैं, तो हम यहाँ 206 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हमें ये फील करना है। उसके बाद व्हाट आर वी, हम क्या करते हैं, मतलब इसमें हमें 5 लाइनें दी हैं। आई प्रोटेक्ट द ब्रेन, मैं ब्रेन की हिफाजत करता हूँ। तो कौन कहता है हमारी ब्रेन की हिफाजत, वो स्कल करती है, तो यहाँ पे आएगा स्कल। आई एम मेड अप ऑफ 33 बोन्स, में 33 हड्डियों से मिलकर बनाई गई हूँ। ये कौन होती है, ये अपने पीछे पढ़ा है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो 33 हड्डियों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बैक बोन। उसके बाद वी आर ज्वाइंट विद द बैक बोन, हमारी बैक बोन से क्या ज्वाइंट होते हैं, हमें यहाँ पे वो लिखना है। आई एम द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल बोन, मैं जो है सबसे बड़ी और पावरफुल ताकतवर हड्डी हूँ। उसके आगे यहाँ लिखना है कि वो हमारी कौन सी हड्डी है। उसके बाद वी आर 650 इन नंबर, मैं 650 नंबर हूँ, मतलब मेरे जो है 650 नंबर है, मतलब हमारी पूरी बॉडी में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कि जिसके अंदर 650 है। जैसे कि हमने पढ़ा था मसल्स जो है हमारी बॉडी में 650 हैं, तो यहाँ पे आएगा मसल्स, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।